पूरे 3 बजे ब्लॉग या? फ्रेंड्स उसी दिन से कंटिन्यू है। जब मैं आई थी तो रात के 3 बजे आई, सुबह 9:15 का अलार्म बजा तो नींद खुली है। तो नींद खुलते के साथ सबसे पहले मैं बोली चलो बेटे सोई थी तो वो ठीक कर दूँ, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। नीचे गेट वगैरह खोल रहे हस्बैंड और उसके बाद सामान वगैरह सेट कर देते, क्योंकि रात में आई थी तो वैसे ही रख देती। और देख सकते हैं इला बहन के पास चाबी था, यानी कि जो मेरे घर में आती है उसके पास चाबी था, तो वो पूरे घर आकर के सेट कर दी थी। कपड़े वगैरह भी सब धुल धाल के फोल्ड करके रख दी थी, और ये धोने के लिए कपड़े हैं। तो अब चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन की क्या हालत है। तो किचन वगैरह भी फ्रेंड्स से मैं जाने के पहले भी क्लीन की थी, पर आने से पहले मतलब एक दिन आने से पहले ना वो पूरा फिर से क्लीनिंग करके गई थी, कि जिसके कारण से मैं आऊँ तो कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं पूरा किचन क्लीन है, फ्रिज वगैरह सब क्लीन है, क्योंकि जाओ तो फ्रिज वगैरह क्लीन करना होता है, पर मैं की नहीं थी, वही सब कुछ देखती है। तो यहाँ पे फ्रिज भी अच्छे से साफ कर दी है, सब सामान इधर उधर था सेट कर दी। उसके बाद मैं बोली चलो चाय बना लेती हूँ, और तो चाय भी इधर बन गया। और इधर मम्मी दी थी तिलकुट, तो वही सब रख रही थी, तिलकुट है और वो रास्ते के लिए जो जो खाने के लिए लाई थी वही सब था। दीदी स्वीट वगैरह दे दी थी, और अनरसा मेरा फेवरेट है तो थोड़ा थोड़ा मैं ले ली हूँ। मैं बोली चलो जो खाना होगा खा लेंगे। ये है सेव बुंदिया, ये है मखाना फ्राई और काजू, और चाय और गुनगुना पानी। तो चलिए पानी चाय पी लेते हैं, तब तक इधर से देखिए ब्लिंकिट से सुबह सुबह ही ऑर्डर कर दी थी। मैं बोली कि चलो सामान वगैरह वो आई हूँ तो अपनी गृहस्थी संभाल लूँ, बहुत हो गया आराम और छुट्टी। तो ब्लिंकिट से सामान आया है, उसे मैं निकालती हूँ कुछ देर में। और ब्लिंकिट से तो क्या है फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट ऐप है, 10 मिनट में घर आ जाता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और संडे है, हैप्पी संडे। पर आज तो मेरा संडे का पता ही नहीं कौन सा संडे होगा। अभी चाय पी ली हूँ, और थोड़ा बहुत स्नैक्स था, स्वीट था, जो मन था खा ली। अभी चिप्स खाऊंगी बैठ करके, क्योंकि मैं लेकर ही आई थी। और अभी सब जगह वो बच्चों से बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ना थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अरे ब्यूटीफुल। और घर में फ्रेंड्स से इलेवन सब कुछ कर दी थी, तो कुछ काम था नहीं, बस यहाँ पे चाय पानी भी हो रहा है, टीवी भी देख रही थी। तो उसके बाद हस्बैंड बोले चलो गाड़ी साफ कर देते हैं, बहुत डस्ट हो गया है, क्योंकि बाहर भी जाना था, तो वही गाड़ी वगैरह क्लीन की। और इधर मैं सोची चलो सामान रख देती हूँ, क्योंकि जो फ्रीजर का है फ्रिज का है, और क्योंकि थोड़ा सा फ्रूट दही दूध पनीर मशरूम सब्जी, और अभी तो याद भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या। और उसके बाद मैं बोली चलो सेट कर देती हूँ सारा सामान। और मेरा अभी भी गला बिल्कुल बैठा हुआ है, लगता है फ्रेंड्स अभी तो अगर एक दो दिन में ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या सब दिन ऐसे ही रह जाऊँगी क्या, क्योंकि मेरा गला इतना अच्छा था और इतना ख़राब हो गया है कि मुझे अपने आप में ओवर वॉइस करने में भी अच्छा नहीं लगता। मगर 15 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है, अगर छोड़ देती तो वाइटी ही मेरी बंद हो जाती मेरे वॉइस के चक्कर में। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना और सपोर्ट करना, और क्या करूं अभी ऐसा हो ही गया है। तो और थोड़ा थोड़ा जो भी था मैं मंगवा ली थी, क्योंकि कल से ड्यूटी भी हो जाएगी शुरू और मेरा भी वाईटी का काम चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पेपर बैग है, पर बहुत ही मजबूत है, इतना सारा सामान पेपर बैग में आ गया। और एक साइड में दूध भी रख दी हूँ, और एप्पल है उसे भी निकाल देती हूँ, आलू प्याज था वो भी सब टोकरी में रख दी। तो चलिए ये सब होता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अभी ओवर वॉइस कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ की नहीं, बस खाना वगैरह बनाई। हस्बैंड बाहर चले गए थे, बाहर गए मैं अपना काम कर रही थी सेविंग वगैरह कराने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स से नॉनवेज बनाई थी, क्योंकि मेरा मन था खाने का, इस वजह से मैं गई, बोले चलो बाहर खा लेना। मैं बोली बाहर नहीं, मेरे को नॉनवेज खाना है, तो वही मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर एप्पल आ गया था, तो मैंने चलो एप्पल भी कट करके दे देते। उसके बाद देखती हूँ फ्रेंड्स अगर कुछ वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस दिन आई थी तो पहले एनर्जी था, जैसे आते हैं तो थोड़ा सा लगता है ना, मगर खाना खाने के बाद उसके बाद से तो कोई वीडियो शूट ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर फ़ोन का काम तो मैं कर ही रही थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए दोपहर को मैं लंच कर रही हूँ म्यूसली, और ये जो है खाने का जो मैं थाली दिखा रही हूँ ये 1 वीक का है। जब भी मैं थाली अगर कुछ ऐसा हुआ था, थोड़ा सा मैं वीडियो बना ली थी और कुछ नहीं, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी कि 1 वीक हो रहा है और मेरा ट्रॉली सेम का सेम वैसे ही पड़ा हुआ,
क्योंकि खोलने की हिम्मत भी नहीं है फ्रेंड्स। और आज शिवरात्रि के दिन ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, हाफ वीडियो पहले ही एडिट की थी, हाफ अभी कर रही हूँ। तो देख सकते हैं ये ट्रॉली वैसे का वैसे ही है, और आज शिवरात्रि का दिन है तो मैं सोची चलो वीडियो कंप्लीट कर दूँ। हैप्पी शिवरात्रि माय ऑल फ्रेंड्स और गुड आफ्टरनून। एक्चुअल मैं अभी ऊपर सीढ़ी चढ़ी और तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ उतना अच्छा नहीं होगा। और पता है मैं पिछले संडे को आई हूँ और उस टाइम ब्लॉग शुरू की पर उसको एंड नहीं कर पाई क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी और काम बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं बना, तबीयत अच्छा नहीं था। अभी देखिए मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, यानी पूरे 1 वीक के बाद आज मैं मतलब कि ब्लॉगिंग के लिए कैमरा फ़ोन उठाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मंदिर चलते हैं, जो भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और मंदिर जाने के लिए रेडी हूँ। डाइटिंग एक्सरसाइज बापरे, कमला नगर में तो अभी भी इतना भीड़ लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा, वहाँ रहती है बहुत भीड़, अभी देखती हूँ उधर जाकर। और सामने जब फ़ोन उठाती हूँ फ्रेंड्स तो मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ, तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कुछ करो डाइटिंग एक्सरसाइज वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कमला नगर मंदिर के पास आ गई हूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि कितनी लंबी लाइन है, बहुत भीड़ है। और यहाँ फ्रेंड्स सुबह 5 बजे से ही भीड़ होता है और अभी बज रहे हैं 12 और 12 बजे भी इतनी लंबी लाइन है। तो चलिए मैं मंदिर चल रही हूँ, हाईवे वाला मंदिर जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग भी आ जाइए। और ये मंदिर में फ्रेंड्स हर सैटरडे को आती हूँ, पहले भी वीडियो शेयर की हूँ तो वहीं आ गई हूँ, पर गाड़ी इतने सारे पार्किंग में देख के लग रहा था कि काफ़ी भीड़ है मंदिर में, पर यहाँ भी बहुत भीड़ है। चलते हैं, इतनी भीड़ यहाँ नहीं रहती है मगर धीरे धीरे क्या अब पब्लिक सब हो रही है ना, इस वजह से बहुत भीड़ है। और यहाँ फ्रेंड्स बहुत सालों से आ रही हूँ, पहले तो कुछ भी लोग यहाँ नहीं होते थे, तब से आ रही हूँ। और यहाँ पे भंडारा भी होता है और झांकी भी निकलती है, तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगी भोले बाबा का अच्छे से दर्शन कराऊंगी, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि भीड़ भी है और शिवरात्रि का दिन है, तो पहले पूजा कर लूँ फिर बाद में वीडियो शूट करूँगी। और फ्रेंड्स मंदिरों को ना मतलब बोलते हैं कितना खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, तो पूरा तो मैं घूम घूम के वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ा बहुत बनाई वही दिखा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं थोड़ा बहुत ली वही दिखा रही हूँ आप लोग के साथ। तो देख सकते हैं एक लोटा जल या दूध चढ़ाने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। और यहाँ पे भोले बाबा की बारात निकली थी तो आ गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर हनुमान दादा का भी दर्शन कर लीजिए, शनिवार है आज। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर ठंडाई मिल रहा था प्रसाद में, तो वही ली। और वहाँ पर फ्रेंड्स वो व्रत का खाने का भी था, पर मैं थोड़ा ठंडाई ली उसके बाद निकल गई, सच में बहुत टेस्टी था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लेट तो हो ही रहा था क्योंकि ये लगभग 1 घंटा मंदिर में लग गया था, तो मेरे को फिर से जैसे वैसे ही होता ना कि थोड़ी वीकनेस सी आने लगी और काफ़ी थकान सी लगने लगी। तो फिर हस्बैंड बोले कि चलो पहले तुम खा लो उसके बाद घर चलेंगे, मैं मना भी की कि घर जाके खा लूँगी, पर बोले कि नहीं, गाड़ी रोक दिए। फिर वहाँ पर मैं कचौड़ी ली और स्वीट ली, स्वीट खाने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सीधे मैं आप लोगों को मिलूंगी घर में, क्योंकि हस्बैंड कुछ खाए नहीं थे, बोले बाहर का नहीं खाऊंगा घर का सिंपल खाना खाऊंगा। अभी आई हूँ फ्रेंड्स, तो मैं तो खा ली हूँ और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, खा ली हूँ पर हस्बैंड के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, बोलेंगे हमेशा खिचड़ी खिलाती हूँ, पर मैं खिचड़ी बना दूँ उसके बाद सो जाऊँगी और फिर मिलूँगी आप लोगों से बाद में, क्योंकि बहुत हिम्मत करके आज अभी इतना तक का रूटीन कर ली पर अब आगे बिल्कुल नहीं होगा। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सोची चलो गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊंगी क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी। तो मैं अभी चलो कैमरा भी उठा लेती हूँ तो साथ में ब्लॉग भी बन जाएगा और इसे कंप्लीट कर दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये 1 वीक से पेंडिंग चल रहा है। तो यहाँ पे पहले पानी गर्म की, फिर साथ में चाय भी बना लूँगी। और हस्बैंड लेकर के आए थे नमकीन, यानी कि उनको ना वो नमक पारे बहुत पसंद है, वही लेकर के आए थे जगदीश से, तो चलिए वो भी साथ में निकाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा फ्रूट कट कर दूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स से हस्बैंड नमक पारे लेने आए थे वही दे दी, उसके बाद बोले कि आराम से खाना बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर मैं आराम से बाद में बनाई थी, उनको लौकी की सब्जी खानी थी और सिंपल सा खाना, तो वही बनाई, चाय लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स शिव पुराण सुन रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिए। उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो, तो जरूर बताना ये महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करना।
और फ्रेंड्स घर बैठे शिव पुराण भी सुन ली, उसके बाद सो भी गई थी, खाना भी बन गया, खाना खा भी लिए। तो सिंपल सा खाना और ये ब्लिंकिट से सामान मंगवाई थी, क्योंकि वीकली मंगवा लेती हूँ फ्रेंड्स, तो साग सब्जी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे थोड़ा मीठा भी मंगवा ली थी। तो चलिए ये सब तो मेरा हो गया, शॉपिंग भी हो गया घर बैठे ही। तो आप लोग जो फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।